मुनसुम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस और भाजपा से बराबर पूरी रखेगा लोकतांत्रिक मोर्चा, संभाग सम्मेलन में विभिन्न मसलों पर चर्चा। साक्षरता का संदेश देने के लिए बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, रैली भी निकाली। युवा मोर्चा की तल्ख तेवर, सरकार पर साधा निशाना पीएमओ का किया घेराव। जिले भर में रही खेल प्रतियोगिताओं की धूम, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। अब समाचार विस्तार से। लोकतांत्रिक मोर्चा, विधानसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान की राजनीति में इस मोर्चे का जन्म हो गया। मोर्चे का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भटनेर पैलेस में हुआ। इसमें कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए, खासकर लोकतांत्रिक मोर्चा कांग्रेस और भाजपा से बराबर दूरी बनाएगा। भटनेर पैलेस में लोकतांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का संभाग स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिले के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विधायक अमरा राम, पवन दुगल, रामेश्वर वर्मा, राम कुमार आदि ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है। लोकतांत्रिक मोर्चे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीटों पर लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटों पर पहले से घोषित प्रत्याशियों के नामों पर फिर से विचार करने का निर्णय किया गया। राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा 5 दलों को मिला करके बनाया है, जो राजस्थान के किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान और महिला और दलित और माइनॉरिटी के हकों के लिए जो हमेशा संघर्ष करता रहा है, वो आने वाले राजनीतिक संघर्ष में भी निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति को परिवर्तन करने का जिम्मा उठाया है। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अदल बदल करके राजस्थान को कंगाल करने का काम किया है और कुछ मुट्ठी भर लोगों को मालामाल करने का काम किया है, उन नीतियों के खिलाफ ये राजनीतिक मोर्चा राजनीतिक संघर्ष में आने वाले नवंबर के चुनाव में और अप्रैल के लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच में जाएगा और इस उत्तरबिका की घोड़ी को, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके एक खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए नीतियां जो लेके आए हैं, निश्चित रूप से उन पे लोग मत दें और राजस्थान की राजनीति को बदलने का काम करें। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी विधानसभा चुनाव से पूर्व कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बेहतर प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने अधिकारियों पर फिर निशाना साधा। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक, कार्यकर्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों को सराहा लेकिन विसंगतियों पर भी चर्चा की। खासकर खाद्य सुरक्षा बिल को आम आदमी के लिए वरदान बताते हुए उन्होंने कहा कि इसको लेकर कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत, प्रवक्ता तरुण विजय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सैनी, देहात मंडल अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा आदि ने विचार व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों के दम पर कांग्रेस चुनाव मैदान में जाएगी और दोबारा सत्ता में लौटेगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। दादरी ने कहा कि योजनाओं की सफल क्रियान्वयन से विपक्ष बौखला चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी की जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई योजना लागू करती है तो हम सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे नहीं रह के हम भी उसके अंदर अपना योगदान दें कि हमने फलाने फलाने पर। अगर कोई कार्यकर्ता, कोई वार्ड पार्षद, कोई पदाधिकारी कोई फार्म लेके गया और फार्म नहीं लिया हो तो अभी हम अधिकारी से बात करते हैं और इसको डेट बढ़ाने की जहां तक बात है हम कुछ अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन इसका प्रचार प्रसार तो साधारण इनसे अखबारों में हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा बिल के अंदर कौन कौन एंटाइटल है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसके अंदर अपना सहयोग करें। जिले भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में साक्षर भारत मिशन के तहत आज विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने मिलकर साक्षर जागृति रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाई। जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा आज विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने शिक्षा जागृति रैली निकाली। ये रैली अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के आगमन पर निकाली गई। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने सबको यह समझाना है, शिक्षा को बढ़ाना है, हर महिला साक्षर हम साक्षर के नारे लगाए। इसके बाद छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई, एकजुटता से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाकर संपन्न हुई। कल जिले भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा।
पहले हमने बच्चों की रैली निकलवाई है और उसके बाद मानव श्रृंखला बनाई है छात्रों द्वारा। कल हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएंगे और इस रैली का जो उद्देश्य है साक्षरता के प्रति जनता का रुझान पैदा करना, जन जागृति पैदा करना। बच्चों की रैली और मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न राज्य के विद्यालय के बच्चों ने शिक्षा का संदेश देने के लिए मानव श्रृंखला का यह निर्माण किया है। मानव श्रृंखला का उद्देश्य यह है कि बच्चों के माध्यम से एक जन जागृति का संदेश जाए, जन जागरण का संदेश जाए, ताकि आम आदमी, आम व्यक्ति साक्षरता को समझे, क्योंकि शिक्षा ही जीवन को जीने की जो कला है वो देती है। समाचार अभी और में देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCDs और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मिजाज शनिवार को कुछ ज्यादा ही गर्म नजर आया। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जयपुर में कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में पहले तो मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, फिर वे नारेबाजी करते हुए राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे और PMO का घेराव किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को एक तरफ राज्य सरकार पर निशाना साधा, दूसरी तरफ राजकीय जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से आहत होकर PMO का घेराव किया। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ प्रतिनिधियों ने हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, मंत्री प्रकाश तंवर, सावन पाईवाल और जुगल किशोर आदि ने कहा कि शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करने वालों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार का अंत निकट है। जनता की अशोक गहलोत को बिल्कुल चिंताएं नहीं है, जो ये स्कीमों का ढकोसला कर रहे हैं, लोगों को उनका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है और बहुत सारी जनहित की मांगों को लेकर कल जब हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने मुख्यमंत्री निवास के घेराव का निर्णय किया और शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए सरकार के निर्देश पर पुलिस वालों ने बर्बरता पूर्वक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर
दमनकारी नीति अपनाते हुए लाठियां बरसाई, सैकड़ों हजारों हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। आज उसके विरोध में हमने पुतला अशोक गहलोत का राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। बाद में उन्होंने राजकीय जिला अस्पताल के लिए पैदल मार्च किया। नारेबाजी करते हुए वे पीएमओ दफ्तर पहुंचे, लेकिन कुर्सी खाली देख उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने पीएमओ की खाली कुर्सी मुर्दाबाद के नारे लगाए। खाली कुर्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएमओ की खाली कुर्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएमओ की खाली कुर्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएमओ की खाली कुर्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनेस्थीसिया की नियुक्ति कराओ, नियुक्ति कराओ, नियुक्ति कराओ। खाली कुर्सी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। खाली कुर्सी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नारेबाजी सुनकर पीएमओ अस्पताल पहुंचे, साथ आए भी तो पुलिस कर्मी सहित। उनको देखते ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और तेज कर दी। मुर्दाबाद पीएमओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएमओ की खाली कुर्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएमओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएमओ की खाली कुर्सी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अस्पताल में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही सफाई व्यवस्था सुचारू है और न ही पेयजल की समुचित व्यवस्था है। पीएमओ ने कहा कि राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार से बात हुई है, उन्होंने चिकित्सा मंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया है। के लिए हमने समय समय पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है और इस संबंध में हमने डायरेक्टर साहब से मैंने बात की थी। सब जहां भी नई पोस्टिंग हो उसमें हमारे यहां एनेस्थीसिया का डॉक्टर, रेडियोलॉजी का डॉक्टर और एक पैथोलॉजी का डॉक्टर हमें उपलब्ध करवाया जाए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भी जो नई पोस्टिंग होगी तो वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने सूची भेजी हुई है, जी उसमें उपलब्ध होगा हम लगा देंगे। तो वर्तमान में हमारे यहाँ एक पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति हुई है। बाकी जहाँ तक रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिस्ट की बात है तो उसके लिए खुद मंत्री जी ने भी इस संबंध में सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं, उन्होंने एक डॉक्टर की डिजायर भी लिखी थी और इस संबंध में हम कल मैं शाम को फिर दोबारा मंत्री जी से मिल के आया हूँ। हमने मंत्री जी से निवेदन किया था माननीय चौधरी विनोद जी से कि साहब हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एनेस्थीसिया की है, इस कारण ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस संबंध में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से दोबारा उनसे अनुरोध करेंगे कि यहाँ एनेस्थीसिया का डॉक्टर लगाया जाए। जिले भर के कई स्कूलों में आज शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय 17 व 19 वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महर्षि दयानंद पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता व लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जबकि संस्कार इंटरनेशनल स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 7 से 10 सितम्बर तक चलेगी। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय 17 वर्ष व 19 वर्ष विद्यार्थियों की बैडमिंटन व लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन एमडी सीना सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन में किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधानाचार्य रविंद्र श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि तरुण विजय ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलने से हमारे शरीर का शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। खेल के हमेशा दो पहलू होते हैं, हार या जीत। इसलिए हारने वाले खिलाड़ी को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य में जीतने के लिए मेहनत करनी चाहिए। खेल को खेल की भावना से ही खेलने में आनंद आता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य ने आए हुए खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखें।
बैडमिंटन व लॉन टेनिस प्रतियोगिता में जिले भर से 50 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि ने भी सभी खिलाड़ियों का शपथ दिलाकर उनका परिचय लिया। वह मैदान में शटल उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में भी बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, मोहनलाल चिंपा व द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह थे। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में जिला स्तरीय 17 वर्षीय व 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 17 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा चालू, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन, आदर्श हैप्पी बेबी सेकेंडरी स्कूल संतपुरा, खालसा पब्लिक स्कूल मोरजंडा सिखान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा खालसा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय इंद्रपुरा की टीमों ने भाग लिया। जबकि 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टाउन, सरस्वती पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय छानीबड़ी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतपुरा, आरडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाराखेड़ा, लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बुधवालिया नोहर की टीमों ने भाग लिया। शाला में कबड्डी प्रतियोगिता आया है और इसमें 19 वर्षीय में कुल 6 टीमों ने भाग लिया है तथा 17 वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता में 7 टीमों ने भाग लिया है। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, हम पहले विजेता रहे हुए हैं और अभी लगता है कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे, विजेता फाइनल में पहुंचेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है, हम बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे। पिछली बार भी हम जीत कर ही गए थे, हमें पूरा विश्वास है कि हम फाइनल जरूर जीतेंगे। और हमारा ये बचपन से खेला है, हमें ये खेल बहुत अच्छा लगता है, बचपन से खेलते आ रहे हैं, आगे भी खेलते रहेंगे। हनुमानगढ़ जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते कि उन्हें समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विज्ञान के प्रति घटते रुझान को खत्म करने के लिए सरकार ने इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी लगाने का निर्णय किया। इसका असर हनुमानगढ़ में देखने को मिला। बच्चों ने एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट मॉडल तैयार किए, जिसे देख निर्णायकों ने भी दांतों तले अंगुली दबा ली। स्काई चैनल की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी का समापन हो गया। प्रदर्शनी में कुल 204 प्रतिभागियों ने अपने मॉडल्स प्रदर्शित किए। हर साल विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह की योजना का संचालन करती है। प्रदर्शनी में यूं तो हर एक मॉडल सराहनीय थे, लेकिन गुरशरण सिंह प्रथम, देव शर्मा द्वितीय व हिमांशी शर्मा तीसरे स्थान पर रहे, जबकि निकिता व योगिता सारण को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 21 प्रतिभागियों का चयन किया गया। जिला शैक्षिक अधिकारी रणवीर शर्मा और विद्यालय के प्रधानाचार्य बलविंदर सिंह के मुताबिक राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए सुप्रिया जाट, रमेश कुमार, दुर्गा देवी, राजेंद्र कुमार, चंचल, कर्णवीर, शिवानी, ललिता भाटी, सुमनदीप कौर, देवराज, भजनलाल, नंदो देवी, चंद्रकला, प्रदीप भांबू, संदीप कुमार और सुनीता शामिल हैं। प्रतियोगिता प्रभारी दुर्गादत्त सैनी व संयोजक बलविंदर सिंह ने प्रदर्शनी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में 113 बालिकाओं व 91 बालकों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में राजेंद्र सिंह यादव, देवीलाल सहू, कुलविंदर सिंह, रजनीश गोदारा व बलदेव राज शामिल थे। आइए आपको ले चलते हैं प्रदर्शनी स्थल पर, जहां बच्चे आपको खुद ब खुद मॉडल के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये मेरा मॉडल है एयर प्योरीफायर, जो मैंने अपने सर की गाइडेंस में बनाया है, कि ये सिंगला सर है मेरे सर। ये मेरे को प्रेरणा मिली थी क्योंकि अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। मुंबई और दिल्ली में तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि वहाँ पे दिखना ही मुश्किल हो गया है, इसलिए ये मैंने एयर प्योरीफायर बनाया है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से कुछ जितनी भी इम्प्योर एयर होती है अपने बेस से उठा सकते हैं, जैसे बेस जहाँ से एयर प्योर जहाँ से निकलती है एयर जितनी भी इम्प्योर होती है वहाँ पे ये लगाया जा सकता है। यहाँ से एयर अंदर जाती है, एयर को हमने वाटर में इसमें ब्लो करेंगे। वाटर में हमने 2 वायर लगा रखी हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जिसके
जिसकी वजह से अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे ही हवा अंदर जाती है जितनी भी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी वजह से सारा के सारा जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ये कैच कर लेता है और जो प्योर एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। ये आसान बनाने में भी आसान है, हम घर पर फंड्स करते हैं उसकी जगह जैसे फंड्स करते हैं यानी वेंटिलेटर्स के फंड करते हैं या फिर करते हैं कि चिमनीज वगैरह लगाएं उसकी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। मनी लगभग 3000 रुपीज़ लग गए इस पर। मेरे को टाइम लगा था इसको बनाने में, 10 दिन लगे थे टाइम बनाने में और लगभग मेरे 2 से 3 हज़ार रुपये लग गए इस मॉडल को बनाने में। मेरा नाम देव है, मैं श्रीमती SD मेमोरियल स्कूल शिक्षण संस्थान में पढ़ता हूँ। यह मॉडल मैंने अपने स्कूल से प्रेरित होकर बनाया है। हमारे स्कूल में सिखाए जाते हैं कि जल बचाओ, जल संरक्षण करो, क्योंकि जल के बिना हम नहीं रह सकते। इस मॉडल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर वर्क की टैंकी से हमारे घर के में जो जल आता है और बाद में टैंकी भर जाती है और हमें पता नहीं चलता, जिससे जल अपव्यय होता रहते हैं। इस मॉडल से जब टैंकी भरने के बाद हमें सूचना मिल जाती है, अलार्म बज जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी टैंकी भर गई है, और हम जब सारा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, जब जितना पानी बच जाता है हम उसे सीधा ही बहा देते हैं। हम इस मॉडल की सहायता से उस पानी को वापस वाटर वर्क की टैंकी में भेज सकते हैं जिससे जल का अपव्यय ना हो, क्योंकि जल का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है। जल है तो जीवन है, जल बिना हम नहीं रह सकते। रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सुन, मतलब कि पानी के बिना हमारा जीवन शून्य है। जी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 3% जल पीने योग्य है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी का सत्कार करना चाहिए, हमें पानी का व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ये मॉडल यहाँ शुद्ध पानी के लिए है, यहाँ से पानी क्रिएशन के अंदर से पानी शुद्ध होकर नीचे इस पाइप के अंदर से आएगा और यहाँ पे बैक्टीरिया वाले जीवाणुओं को मारने के लिए हम कोई दवाई डालेंगे और इसको शुद्ध कर लेंगे और नल के अंदर से घरों में सप्लाई कर सकते हैं पानी को। मेरा नाम योगिता है, मैं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलूवाला से आई हूँ। मैंने ये मॉडल अपने स्कूल के अध्यापकों से प्रेरित होकर बनाया है। इसके अंदर हम घर से कहीं बाहर गए हुए हैं तो कोई चीज़ ऑन ऑफ करनी होती है तो हम इस मोबाइल के कॉल द्वारा कर सकते हैं। आजकल मोबाइल की टेक्नोलॉजी बहुत चल गई है, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही हिमांशी शर्मा के पिता राजविंद्र शर्मा बेटी की उपलब्धि से भावुक हो गए। जब स्काई चैनल ने उनसे प्रतिक्रिया चाही तो वे खुशी से फफक पड़े, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले, बेटी किसी से कम नहीं, मेरी बेटी को कभी पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता। हिमांशी पर उन्हें नाज है। जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, बेटियां बहुत अच्छी होती है। बोलना नहीं चाहिए, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है ये, और इसका जो सपना है वो IAS बनने का, और ये इसको पढ़ने के लिए कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। निर्णायकों ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। उन्होंने अफसोस जताया कि हर वर्ष विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या घटती जा रही है। विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों का जो अगर अपने आर्ट्स की तुलना में विज्ञान के विद्यार्थी देखें तो 25% विद्यार्थी भी विज्ञान में नहीं रहते, तो ये सरकार की मतलब एक ऐसी योजना है जिसमें विज्ञान के प्रति जो ध्यान विद्यार्थियों का बढ़े और उनमें से जो क्रिएटिव बालक हैं जो अच्छे हैं वो आगे बढ़े और उनको इस काम में प्रोत्साहन, ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है और ये विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मतलब आगे बढ़ने में और हर प्रकार से उनके लिए उत्साहवर्धक है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। Thank you.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सुभाष गर्ग रविवार को एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आएंगे। वे बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में प्रस्तावित सेमिनार को संबोधित करेंगे। राजस्थान शिक्षक कांग्रेस और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले सेमिनार की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र दात्री करेंगे। मुख्य वक्ता शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बी एल सोनी होंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले किसान अमर सिंह सियाग का व्यापारियों ने अभिनंदन किया। सियाग ने कहा कि सरकार ने सौर ऊर्जा का सरदार सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ाया है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित अनाज मंडी में प्रगतिशील अमर सिंह सियाग का अभिनंदन किया गया। व्यापारी सुशील मित्तल आदि ने कहा कि सियाग को सम्मानित कर सरकार ने किसानों और व्यापारियों का मान बढ़ाया है। इस मौके पर काफी संख्या में किसान और व्यापारी मौजूद थे। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने पर राज्य सरकार ने अमर सिंह को सौर ऊर्जा सरताज के सम्मान से नवाजा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें पुरस्कृत किया। शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को देखते हुए आज नगर परिषद ने 168 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की। वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते हुए चयन समिति पर धांधली का आरोप लगाया। बेरोजगार वाल्मीकि संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि नगर परिषद ने 168 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में पात्र लोगों को दरकिनार कर अपात्र लोगों का चयन किया गया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रशासन नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका प्रशासन ये वाल्मीकि समाज में जो लिस्ट लगी गई है, इस प्रक्रिया के संदर्भ में जो बेरोजगार आदमी थे उस प्रक्रिया में उस हिसाब से एक भी बंदा नहीं रखा गया, जिसके आधार पर जो बेरोजगार आदमी है उन्होंने धरना करने का वादा किया है। तो मेरे घर में कोई भी नौकरी नहीं है और आज तक किसी का भी, मेरे माँ बाप कोई बहन भाई कोई नहीं है और मेरे मिसिज का आज तक अभी तक नंबर नहीं आया। जिनके घर में दो दो नौकरियां हैं उनको उनके दो दो तीन तीन और दे दी इन्होंने, उनके बहन भाई जो अन्य चाचा भतीजा में है वो सब लग चुके हैं। अपात्र लोगों को रखा गया है, जिनके उम्र नहीं है उन बच्चों को भी यहाँ इसमें भर्ती में, हाँ जी बाहर से भी इन्होंने जो फार्म भरे थे उन बाहर वालों को भी लगाया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।